ओम शांति। आपका प्रश्न है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म कैसे करें। योग युक्त अर्थात याद युक्त अर्थात बाबा की श्री मत पर ही हमने हर कर्म करना है। बाबा की श्री मत से अलग कोई काम नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसा जिस काम को बाबा ने करने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है उसी तरीके से करना है, जैसे बाबा ने करने के लिए मना किया हुआ है नहीं करना है। अब युक्ति युक्त क्या होता है? ये बात उस समय आती है जब हमारे संबंध संपर्क वाले परिवार वाले या जिनके साथ हमारा व्यवहार है वो उस योग युक्त बात को तो समझते नहीं कि इनको कैसे कर्म करना है, परंतु वो पसंद नहीं करते कि आप ऐसा करें। जैसा बाबा कह रहा है ऐसा करना वो पसंद नहीं करते। उस हालत में युक्ति को लगाना होता है ताकि हमारा काम भी हो जाए, बाबा की श्रीमत हम अपना काम भी करें और युक्ति से अर्थात कुछ बहाना करके कुछ छुपाव करके ताकि उन्हें पता ही ना चले और हम अपना काम भी कर लें, बाबा की श्रीमत भी हो और उनका भी काम हो जाए, उनको भी बुरा ना लगे। जैसे क्या हमें कहीं खाना खाने की बात आती है, हम खाना नहीं खा सकते तो हम कह सकते हैं कि हमारा व्रत है, हमें उपवास है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा बहाना करके हम उन चीजों का सेवन करें जिनके लिए बाबा ने कहा है। हमें किसी प्रकार से व्यवहार में आने के लिए युक्ति लगाई जाए, बस अपना काम भी हो जाए और उनको भी बुरा नहीं लगे। इसे कहते हैं योग युक्त युक्ति युक्त। ऐसे सारे दिन आपके सामने अनेक प्रकार के कर्म आएंगे करने के लिए, आप उन कर्मों पर ध्यान देंगे कि हमें हमारा काम भी हो और किसी को दुख भी नहीं पहुंचे। ये नहीं कि मेरा कर्म हो रहा है कोई दुखी होता है तो होता रहे, मैंने तो बाबा की श्री मत पर काम करना है। मेरे तो अपना काम करना है, दूसरे को कुछ भी होता है मेरा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करना। कर्म बाबा की श्रीमत पर ही करना है और अच्छी तरह से समझ ना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।